सी पैक के तहत पाकिस्तान में जहां 7 किस्म के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम हो रहा है, वहां इन मंसूबों में से एक मंसूबा चाइना के शहर काशगर से लेकर पाकिस्तान के शहर ग्वादर तक सड़क का तामीर करना है। ये सड़क तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका काफ़ी हद तक काम मुकम्मल किया जा चुका है और कुछ पर काम जारी है, जो कि आने वाले कुछ सालों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्वादर चूँकि दुनिया की तीसरी बड़ी पोर्ट है और इसके बनाने से चाइना और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी एक मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये सड़क चाइना के शहर काशगर से शुरू होकर पंजराब पास से होती हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ग्वादर तक जा पहुँचती है। मेरा ये सफ़र शुरू होता है काला बाग में बने हुए मेजर जनरल सनाउल्ला खान नियाजी शहीद टोल प्लाजा से। जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस किया, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैंने मोटरवे पर सफर शुरू कर दिया है। दोनों अतराफ बेहतरीन पुख्ता सड़क और साइन बोर्ड्स देखकर पता चल रहा था कि यहाँ का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल किया जा चुका है। ये टोल प्लाजा क्रॉस करते ही सड़क के दोनों अतराफ सरसब्ज व शादाब खेत और हरियाली आपके सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। सामने नजर आने वाले पहाड़, इनके बारे में बताया जाता है कि ये मदनियात से भरपूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से अभी तक इन मदनियात को हासिल नहीं किया गया। सी पैक रूट पर सफर करते हुए आपको ऐसी मुख्तलिफ छोटी बड़ी फैक्ट्रियां नज़र आएंगी। मुख्तलिफ जगहों पर मोटरसाइकिल वाले हजरात भी नज़र आते हैं, जो कि करीबी गांव से हैं और इस सड़क के तामीर होने से इनको भी बहुत सहूलत हो गई है। मेजर जनरल सनाउल्ला खान नियाजी शहीद टोल प्लाजा से लेकर तकरीबन 50 किलोमीटर तक सड़क काफ़ी हद तक पुख्ता है और काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके बाद किसी किसी जगह सड़क पर मजदूर काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत सी जगहों पर साइन बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए गए हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि आप ठीक सिमट पर जा रहे हैं। कालाबाग से इस्लामाबाद तक सफ़र करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मुख्तलिफ जगहों पर डाइवर्जन दी गई हैं। अगर वहां से आपने पता ना होने की सूरत में गलती से मुड़ गए तो कई किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी सड़क पर काम जारी है, इसलिए कई जगहों से सड़क को बंद किया गया है और डाइवर्जन दी गई है। इस रूट पर यह पहली डाइवर्जन है जहां से आपको सड़क को छोड़कर एक कच्ची सड़क पर जाना पड़ता है। ऐसी तकरीबन 4 से 5 डाइवर्जन से गुजरना पड़ता है। अगर यहां पर आप ढूंढने के बजाय आगे निकल जाएं, तो तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आगे से सड़क बंद है और यहां से ही बाएं मुड़कर आप आगे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया है, जब भी सी पैक मोटरवे पर सफ़र करना चाहें तो मुकम्मल मालूमात हासिल करके जाएं। क्योंकि इस रूट पर अभी तामीर का काम जारी है, इसलिए आपको ट्रैफिक का बहाव कम लेकिन नज़र आता है। इस जगह से गुजरते हुए मुझे अमेरिकन हाईवे याद आ गई, जिसकी तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं। रास्ते में ऐसे हरे भरे छोटे कई गांव आते हैं जो आपके सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं। जब 2 से 3 डाइवर्जन करीब करीब क्रॉस करनी पड़ें, तो ये समझ लें कि आप रावलपिंडी के करीब आ चुके हैं। वैसे ये वाली डाइवर्जन सबसे ज़्यादा तवील थी, जिसका फासला तकरीबन 3 किलोमीटर था। मज़ाफ़ात के गांव करीब होने की वजह से बहुत से लोग मवेशियों को सड़क किनारे चराते हुए नज़र भी आते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक सड़क की तामीर नहीं हुई, क्योंकि ये नशेबी इलाका है और यहाँ मजबूती का ज़्यादा ख्याल करते हुए काम सुस्त रवि का शिकार है। सीपैक सड़क का मंसूबा सिर्फ काशगर से ग्वादर तक नहीं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, जिनसे बहुत से मलहिका सड़कों को इसके साथ मुंसलिक किया जाएगा। तपती हुई धूप और ठठरती हुई सर्दी में इन मजदूरों का यहाँ पर काम करना और इस सड़क का मुकम्मल होना यकीनन किसी अजूबा से कम नहीं होगा। यहाँ से रावलपिंडी की हदूद शुरू हो जाती है और सामने नज़र आने वाली पहाड़ियाँ कोहे हिमालिया का सिलसिला है, जो कि फतेह जंग से गुजरती हुई केपीके में दाखिल होती हैं। सामने दाएं तरफ नज़र आने वाली इमारत और एक बड़ा सा टावर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कालाबाग से यहाँ तक हमें तकरीबन 2.25 घंटे लगे पहुँचने में। यहाँ पर भी इसकी तामीर नो का काम तेज़ी से जारी था और सामने नज़र आने वाली सड़क फतेह जंग की तरफ जाती है, जहाँ से आपको पता चलता है कि आप रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। चूँकि सी पैक रूट पर काम तेज़ी से जारी है, इसलिए इस मुकम्मल रूट पर किसी किस्म की कोई भी सहूलत मैसर नहीं, जिनमें ना कोई होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया और ना ही कोई पेट्रोल पंप है। इसलिए जब भी आप इस रूट पर सफ़र करना चाहें तो खाने पीने की ज़रूरी अशिया पास रख लें, गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल रखें और सबसे अहम बात, आपने जहाँ भी जाना है सिर्फ दिन का सफ़र करें, क्योंकि रात में इस रूट पर सफ़र करना गैर महफूज साबित हो सकता है।